अकबर हजवाड़े और शरीफ अब्दुल गफूर पाकर उर्फ दादा भाई की याचिकाएं खारिज कर दी। मामले के तीनों दोषियों ने आत्मसमर्पण की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। इन्हें 18 अप्रैल को आत्मसमर्पण करना है। मुंबई हमले में दोषी जैबुनिसा को 5 साल की सजा हुई है। इससे पहले सोमवार को टाडा कोर्ट ने संजय दत्त की यड़वाड़ा जेल में आत्मसमर्पण की अर्जी खारिज कर दी है। संजय कोर्ट की जगह जेल में आत्मसमर्पण करना चाहते थे। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा कि उनकी 7 फिल्मों की शूटिंग अभी बाकी है, इसलिए इतना वक्त दिया जाए कि वो इन्हें पूरी कर लें। फिलहाल संजय की पुलिसगिरी और नई जंजीर आखिरी स्टेज पर है। विधु विनोद चोपड़ा की पीके पर काम चल रहा है। वहीं शेर की 60% शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा करण जौहर की उंगली और मुन्ना भाई की सीरीज की अगली फिल्में उनके पास हैं। भारत सहित पाकिस्तान ईरान में महसूस किए गए तेज रफ्तार भूकंप के झटके। हालांकि अगर बात की जाए नुकसान की तो भारत में अभी तक किसी प्रकार का कोई भारी नुकसान सामने नहीं आया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान में काफी नुकसान की खबर सामने आई है। बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में 5 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, और जबकि ईरान में काफी ज्यादा लगभग 100 से अधिक लोग इस भूकंप का शिकार हुए हैं। ईरान पाकिस्तान भारत में तेज रफ्तार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके 10 से 12 सेकंड महसूस किए गए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। लोगों से बात करने पर लोगों ने बताया कि उनके घर में रखे टेबल लैंप पंखे जोर जोर से हिलने लगे, जिससे लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर आ गए। बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी ने किया है पलटवार। समाजवादी पार्टी का दावा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है। बीएसपी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अगर मायावती और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी भाषा पर लगाम नहीं लगाया तो सपा के लोग मायावती को गुंडी कहना शुरू कर देंगे। बयानबाजी यही नहीं थमी। आज एक बार फिर मायावती ने सपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सपा दहशतगर्दों की पार्टी है और इस सरकार में मंत्री और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सपा ने बसपा सुप्रीमो मायावती को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मायावती कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी के लोगों ने कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की या मायावती ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मायावती पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को दहशतगर्द कहने वाली मायावती को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि बीएसपी सरकार के दौरान पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही भ्रष्ट था, और मायावती इस तरह के बयान इसलिए दे रही हैं क्योंकि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यूपी में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मीडिया के जरिए ही सही राज्यपाल से यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पिछले 2 दिनों से सपा और बसपा के बीच हो रही जुबानी जंग में आज फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने इजाफा किया है। माया ने यूपी में कानून का राज न होकर जंगल राज और माफिया राज होने का आरोप लगाया है। बसपा सुप्रीमो ने यूपी की बदहाल हालात को देखते हुए मीडिया के माध्यम से राज्यपाल को केंद्र सरकार को सूबे की सही स्थिति बताने की बात कहते हुए यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मीडिया के माध्यम से इस मांग को रखने के मामले पर उन्होंने राज्यपाल और केंद्र की सरकार पर उनकी बातों पर ध्यान न देने का आरोप भी लगाया। मायावती ने प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता फैली होने की बात कहते हुए साफ कह दिया है कि उनकी सरकार आने पर ऐसे माफियाओं और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने सूबे की सपा सरकार को किसी न किसी काम की वजह से आए दिन पड़ रहे कोर्ट की फटकार के मामले को लेकर निशाना साधा। माया का सपा सरकार पर आरोप है कि घटना करने वाले मुख्य अभियुक्तों को पकड़ने की बजाय सरकार सिर्फ पुलिस अफसरों का तबादला करती है। बसपा नेत्री मायावती द्वारा आए दिन सपा पार्टी को गुंडा कहने पर सपा सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव द्वारा नाराजगी जताने के बाद माया ने उन्हें इस पर नाराजगी न जताने की बजाय ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने शिवपाल यादव के बयान पर चुटकी भी ली और कहा जब तक यूपी में खराब कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती वह समाजवादी पार्टी के गुंडों को गुंडा कहती रहेंगी। मायावती की रैली पर एलडीए की नजर टेढ़ी। स्मारक की देखभाल कर रहे अधिकारी से पूछा बिना अनुमति कैसे होने दी,
रैली। 14 तारीख को अंबेडकर जन्मदिवस के अवसर पर मायावती की रैली पर नया विवाद खड़ा हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने स्मारक प्रशासन से इस रैली के बाबत जवाब मांगा है, जिसमें स्मारक प्रशासन को ये बताना होगा कि इस रैली की अनुमति बीएसपी को किसने दी थी। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई बैनर पोस्टर पर भी प्राधिकरण का रुख सख्त है। स्मारक प्रशासन से इस बैनर पोस्टरों को लगाने की अनुमति किसने दी, इस बात पर भी जवाब देने को कहा गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि अगर इसमें स्मारक प्रशासन दोषी पाया गया तो अधिकारियों के खिलाफ बड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ रैली ही नहीं, बैनर और पोस्टर पर भी मांगा एलडीए ने जवाब। बिना इजाजत लगाए थे बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर। क्या ट्यूबवेल के पानी से सियासी फसलों को भी सींचा जा सकता है? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो जवाब हाँ में होगा। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने मायाराज में लगे करीब 4000 ट्यूबवेलों की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने 3700 ट्यूबवेलों की जांच के आदेश दिए हैं। ये वही ट्यूबवेल हैं जो मायाराज में उत्तर प्रदेश में लगाए गए थे। शिवपाल यादव के साथ निर्देश हैं कि जो ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहे हैं उन्हें गिरती में रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने मायाराज में लगे ट्यूबवेल की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जांच मोटर की कमी, कम बोरिंग, पाइप की क्वालिटी पर होगी। शिवपाल के आदेश यूं ही नहीं हुए हैं। मायाराज में ट्यूबवेल की रिपोर्ट के बहाने अब समाजवादी पार्टी को बसपा पर निशाना साधने का एक और मौका मिल जाएगा। सियासी दल इस आदेश का मतलब जानते हैं। ऐसे में सपा और बसपा के अलावा दूसरे सियासी दल सपा पर पिछली बातों को ध्यान देने के साथ ही भविष्य की रणनीति बनाने की नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेसी नेता कहते हैं कि पिछली बातों पर तो सपा सियासत कर रही है पर अपने वादे के मुताबिक किसानों तक पानी नहीं पहुंचा पा रही है। वहीं भाजपा तो सपा सरकार को सिर्फ बातों का योद्धा बता रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान बदहाल है और उन्हें बिजली पानी नहीं मिल रहा है। ट्यूबवेल से आमतौर पर पानी निकलता है पर यूपी में हालात कुछ और ही हैं। ट्यूबवेल से सियासी हथियार भी निकलते हैं, ऐसे हथियार जिनसे विरोधियों के दावे के साथ साथ सियासी फसल भी काटी जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले 13 माह से लंबित अल्पसंख्यक आयोग के गठन न कर पाने को लेकर राज्य सरकार से मांगा है 4 हफ्तों में जवाब। मार्च 2012 में सपा सरकार बनने के बाद से ही अल्पसंख्यक आयोग को भंग कर दिया गया था। उसके बाद से 13 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से मांगा है जवाब कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाए गए आयोग जो कि पिछले 13 महीने से लंबित क्यों है, अभी तक उसका गठन क्यों नहीं हो पाया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार से 4 हफ्तों का समय प्रदेश सरकार को दिया है। मई के 3रे हफ्ते में इस मामले के आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग में हजारों मामले पहले से ही लंबित हैं, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है और पिछले 13 महीने से कई मामले अल्पसंख्यक आयोग में आए हैं पर गठन न हो पाने के कारण सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के हित का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पे उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 17 नामित सदस्य होते हैं। पर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि पिछले 13 महीने में प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का गठन ही नहीं कर पाया है। शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम मुद्दे पर विराजमान शिक्षा मंत्री विजय पाल सिंह यादव अपनी सरकार की गिरगिरी कराने में नहीं चूक रहे हैं। इटावा के निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए विजयपाल सिंह ने अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में ही मंच से मंत्रियों और जनता को गालियां दे डाली। इटावा के निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल प्रकाश नगर के मेहरा चुंगी पर जीएलपी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे। समारोह को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने कहा, गरीब वर्ग के बच्चों के भविष्य का द्वार टीचर ही बंद करता है। कक्षा में पढ़ने की क्षमता शून्य है परंतु घर पर पढ़ाने की क्षमता अपार है। मंत्री जी ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश की 45% जनता को ही मूर्ख बना डाला। उन्होंने कहा, जनता मंदिर मस्जिद जाती है, नानकाना साहब जाती है, परंतु 1 किलोमीटर की दूरी पर वोट डालने नहीं जाती है। जब हम जिले का दौरा करते हैं तब जनता कहती है कि नेता वादा खिलाफी करते हैं। उन्होंने कहा, नेता वादा खिलाफी क्यों करते हैं? जब चुनाव आते हैं तब जनता सभी पार्टियों को वोट देने की बात करती है, हम सभी नेताओं का उल्लू का समझती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बेतुकी बयानबाजी 2014 के चुनाव में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के अरमानों पर पानी फेर सकती है।
प्रदेश का महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय इन दिनों आंदोलन स्थल बना हुआ है। जी हां, सचिवालय में कार्य करने वाले समीक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ ने मंगलवार से सचिवालय में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सचिवालय में बने धरना स्थल में अध्यक्ष जेपी मैखुरी के साथ साथ चार और कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। उनके अनुसार सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है और पिछले कई दिनों से लगातार वार्ता होने के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार यूपी की तर्ज पर ग्रेड पे और वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग की गई है, ये सरकार हल्के में ले रही है। साफ है, समीक्षा अधिकारी संघ के अंतर्गत 650 कर्मचारी आते हैं जिनके हड़ताल में चले जाने से सचिवालय का कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं सरकार ने भी नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू करके कर्मचारियों को और क्रोधित कर दिया है। यूकेडी की हालत एक बार फिर खराब होती दिखाई दे रही है। पहले ही पार्टी से क्षेत्रीय दल की मान्यता समाप्त कर दी गई और अब एक बार फिर कार्यकर्ताओं ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने आज केंद्रीय अध्यक्ष के कार्यालय पर तालाबंदी की और केंद्रीय अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाया। पार्टी के नेताओं के अनुसार पिछले लंबे समय से जिस तरह का कार्यकाल केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र कुमार कर रहा है वो निराशाजनक है और हर मामले में पार्टी अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं और पार्टी की गाइडलाइन को ताक पर रखते हैं। इस लिहाज से उन्हें पार्टी से स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ लामबंद होकर उनका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम मेयर पद के लिए यूकेडी ने दो नामों की घोषणा की थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय अध्यक्ष की खिलाफत करने को लामबंद हो गए थे। नामों की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने आपस में ही अब सिर्फ उठाई की स्थिति पैदा हो गई है। यूकेडी के नाराज गुट ने केंद्रीय अध्यक्ष के कार्यालय पर तालाबंदी कर अपना विरोध भी जताया है। कार्यकर्ता इस बार केंद्रीय अध्यक्ष की विदाई कराने को उतारू हैं। उनके अनुसार हर बार केंद्रीय अध्यक्ष की मनमानी के चलते कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, जो अब कार्यकर्ता भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा उत्तराखंड में पहुंच गई है। अन्ना हजारे ने देहरादून में एक बार फिर व्यवस्था पर चोट करते हुए कहा है कि लोकतंत्र भीड़तंत्र हो गया है। आम सहमति के साथ देश को प्रगति के लिए लोगों को आगे आना होगा। पंजाब के जलियांवाला से शुरू हुई अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा उत्तराखंड पहुंच गई है। इसके साथ ही यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया है। अन्ना हजारे ने देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र भीड़तंत्र हो गया है, जिससे व्यवस्था में भ्रष्टाचार पनपा है। सभी को एक साथ एकजुट होकर इस व्यवस्था को बदलना होगा। इस मौके पर पूर्व जनरल बीके सिंह ने कहा कि सितंबर के रविवार को देश में आम संसद बैठेगी, जिसमें आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर अन्ना हजारे देहरादून में लोगों के बीच एक बार फिर जोश भर गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था सुधारने के लिए सबको एक साथ आगे आना होगा। नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है कि 69 नगर निकायों में कितने उम्मीदवार अब मैदान पर रहेंगे। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि नगर निकाय में चार नगर निगमों में ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी, बाकी अन्य बची नगर निकायों में बैलेट पेपर के द्वारा ही वोटिंग होगी। नाम वापसी की मियाद पूरी होने के साथ ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की अंतिम तस्वीर साफ हो गई है। राज्य के 69 नगर निकायों में कुल 3,917 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त हरीश चंद्र जोशी के मुताबिक सूबे के कुल 15,34,634 मतदाताओं में आधे से ज्यादा नगर निगम क्षेत्र में हैं। इस बार चार नगर निगमों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होगा, जबकि बाकी बचे सभी नगर निकायों में बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड अब नगर निकाय चुनाव के चुनावी दंगल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वजह है कि प्रत्याशियों के नाम वापसी की मियाद भी पूरी हो चुकी है। राज्य में गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को छोड़कर सभी 69 नगर निकायों में मतदान होगा, जहां 15,34,634 वोटर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गौरतलब है कि हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर की नगरपालिका अपग्रेड होकर नगर निगम बन गई है, लिहाजा नए बने इन महानगरों के मतदाता अब चेयरमैन के बजाय अपने मेयर का चुनाव करेंगे। इसके अलावा राज्य में एक दर्जन नई नगर पंचायत भी बनी है। नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद अब मैदान साफ हो चुका है कि कितने प्रत्याशी मैदान पे हैं। बचे हुए प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान में तेजी से लग गए हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी दमखम के साथ अब चुनावी समर में कूद पड़ी हैं। पुलिस ने निकाय चुनाव के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 150 संदिग्ध लोगों के खिलाफ 107-16 के तहत कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों पर गुंडा एक्ट भी लगाई है। सूबे में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है।
हल्द्वानी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के देखते हुए कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। पुलिस ने क्षेत्र के 20 मामलों में 150 लोगों के ऊपर 107-16 की कार्रवाई की है, साथ ही 25 लोगों पर 110 जी सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने 6 लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट और एक आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को कोई भी व्यक्ति प्रभावित ना कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने प्रत्याशियों और उनके करीबियों से असले जमा करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नोएडा का बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस धीरे